डोईवाला में होने वाले टाउनशिप निर्माण के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार इस मामले में दोहरा चरित्र अपना रही है। एक ओर जहां सरकार के मंत्री कुछ बयान देते हैं तो दूसरी तरफ अधिकारी क्षेत्र में निरीक्षण करते नजर आते हैं। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह खालसा ने कहा कि बहुत ही दुख की बात है कि उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री खुद यहां के हैं, फिर भी वो यहां के लोगों की समस्या नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने एक बयान तक नहीं दिया इस बारे में। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह खालसा ने कहा कि यहां के मुख्यमंत्री खुद पक्षपात कर रहे हैं। उन्होंने तराई क्षेत्र से आने वाले किसानों को बुलाया लेकिन हमें नहीं बुलाया। वहीं किसान नेता मनोज नौटियाल ने कहा कि अभी के समय में किसानों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है, फिर भी धरना देना उनकी मजबूरी है। मनोज नौटियाल ने कहा कि सरकार ने झूठ बोला है, हम यहाँ टाउनशिप का निर्माण नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके अधिकारी निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं। वहीं किसान नेता ताज ने कहा कि किसान सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है। आज 4 से 5 दिन होने जा रहे हैं धरने को चलते हुए, और माननीय शहरी विकास मंत्री डोईवाला के हैं, वो यहाँ पले, यहाँ पैदा हुए, यहाँ खेले, उन्हें डोईवाला के लोगों का दुख नहीं दिख रहा। उन्हें चाहिए था यहाँ आते कहते आप लोग मेरे भाई हैं, मेरे क्षेत्र के हैं, मैं आपकी पीड़ा सुनता हूँ, मुख्यमंत्री तक बात रखता हूँ। उन्होंने बिल्कुल दोहरी नीति अपना रखी है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है, सरकारें जो गहरी नींद में सोई हुई है, हम चौकीदार का काम कर रहे हैं, इनको जगाने का काम कर रहे हैं, ऐसे ही जगाते रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा जिसके अंतर्गत सारे संगठन इस आंदोलन रहते हैं, अगर वे एक लेटर सचिव या अपर सचिव के माध्यम से यहाँ पर भेजे और कहें कि नहीं डोईवाला में कोई इंटीग्रेट सिटी का प्रस्ताव नहीं, तो हम लोग आज ही धरना समाप्त कर देंगे। लेकिन ये सरकार समझने को तैयार नहीं है। आज भी भाजपुर के जो लोग कई दिनों से धरना पड़ते थे उनको मुख्यमंत्री ने बुलाया। हम आशा करते हैं कि वो भी हमें बुलाए और हमें इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए कोई ठोस आश्वासन दे जिससे हम आंदोलन समाप्त कर सके। भूमि बचाओ लगातार हमें 1 महीना होने जा रहे हैं, इसे बचाने हम लगे हुए हैं, उसी संबंध में उसी क्रम में हमने धरना रखा है। जो सरकार ने हमारी बात को सुनी नहीं और जो सरकार पैस नोट जारी कर रहा है वो आम विद्वानों से कई वकीलों से हमारी चर्चा हो चुकी है, उसमें कोई उसका कोई औचित्य नहीं है। जिसे सरकार या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं हमें कह रहे हैं नहीं, ये शासन आदेश बता रहे हैं, हम उसे कह रहे हैं, तो उससे संतुष्ट नहीं है किसान। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।